आज मैं आपको इंडियन मैकरल फिश यानी बांगड़े को ग्रीन मसाला अप्लाई करके फ्राई करना दिखाती हूँ। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही स्वादिष्ट। मेरे घर में तो ये सबको बहुत पसंद है। आप इसे बार बार बना के खाना चाहोगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रुति। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसका नाम है कुकिंग विद श्रुति। मैंने 3 बांगड़ा फिश को अच्छे से धो के क्लीन करके काट के लिया हुआ है। थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के सारे पीसेस को इवनली अप्लाई करती हूँ और साइड में रख देती हूँ। एक मिक्सर जार में 7 से 8 हरी मिर्च, 7 से 8 लहसुन की कलियां, बहुत सारा धनिया पत्ता, स्वाद अनुसार नमक और इमली का रस डाल के इसका एक फाइन पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा ग्रीन पेस्ट बनके तैयार है। अब फिश में जरूरत के अनुसार ग्रीन पेस्ट और 1 चम्मच चावल का आटा डाल के मिक्स करेंगे। ये देख लेना है कि सारे पीसेस को अच्छे से मसाला लगा हुआ है। इसे कम से कम 1 घंटा मैरिनेट करना है। आज हम कम तेल में तवा फ्राई करेंगे। एक गरम तवे पे 1 चम्मच तेल डालकर स्प्रेड करेंगे। उसके ऊपर मैरिनेट किए हुए बांगड़ा फिश को एक एक करके रखेंगे और मैरिनेशन का मसाला जो बाउल के साइड में लगा हुआ रहता है ना, उसे बांगड़े के ऊपर अप्लाई करेंगे। फ्लेम लो मीडियम होना चाहिए। इसके ऊपर 2 चम्मच तेल डालेंगे। इसको हम बिना ढके पकाएंगे। 5 से 7 मिनट बाद सारे पीसेस को एक एक करके फ्लिप करेंगे, यानी उल्टा करके फ्राई करेंगे। और ऊपर से 1-2 चम्मच तेल डाल के फिर से एक बार फ्लिप कीजिए। हमारा फ्राई बनके तैयार है। हम अब इसे प्लेट पे निकाल लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट बांगड़ा फ्राई बनके तैयार है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।